हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एलपी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, क्योंकि रेलवे के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया था सीबीटी 2 के एग्ज़ाम के लिए, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में भी दिया गया था। तो आज इस वीडियो में मैं हाइट एंड डिस्टेंस को कवर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस को बताने से पहले मैं इसका कुछ थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इजी वे में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस को समझने से पहले एक ट्रायंगल का कुछ थ्योरी समझना होगा। ट्रायंगल में क्या क्या होता है, देखिए ये है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें ये होता है 90 डिग्री, ये आप सभी जानते हैं। और 90 के सामने वाला जो साइड है ये हाइपोटेनियस होता है, जिसको एच से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एक होता है बेस और एक होता है परपेंडिकुलर, ये, ठीक है। तो अब बेस और परपेंडिकुलर कैसे होता है, तो वो डिपेंड करता है थीटा कहाँ पे है। अगर थीटा यहाँ पे है तो इसके सामने वाला साइड ये है, ये होता है परपेंडिकुलर पी, ठीक है। और इससे जो लगा हुआ ये साइड, ये होता है बेस, अगर थीटा यहाँ पे है। अगर यहाँ पे थीटा नहीं है, इसको हटा देते हैं, और थीटा है यहाँ पे, तो इसके सामने वाला ये होता है परपेंडिकुलर, और ये जो लगा है ये बेस होता है। बस आपको इतना समझना था, बाकी आप ये जानते हैं कि टेन थीटा पी वाई बी होता है, साइन थीटा पी वाई एच होता है, और कॉस थीटा बी वाई एच, ये तो आप इजी है जानते होंगे। तो चलिए अब इसका कुछ थ्योरी और देख लेते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं थीटा यहाँ दिया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा पी और ये हो जाएगा बी, ठीक है। तो टेन थीटा अगर निकालना है तो किस तरह निकलेगा, टेन थीटा, तो टेन थीटा के सामने वाला पी और ये बी, क्योंकि टेन थीटा होता है पी वाई एच, ये हम लिख देता हूँ आपके लिए सहूलियत होगी। देखिए, साइन थीटा इक्वल टू पी वाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी वाई एच, और टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी, ये आप जानते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आप समझ लिए, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और लगा हुआ जो है इसके साथ ये बेस और ये हाइपोटेनियस हमेशा है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए कितना इजी वे में बनाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि एक लंबवत खंभा समतल जमीन पर खड़ा है। मैं क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या लिखा है कि एक लंबवत खंभा समतल जमीन पर खड़ा है, खंभे के आधार से 25 मीटर दूर जमीन पर एक बिंदु है जहाँ से खंभे की चोटी का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए क्या बोला गया, मैं फिगर से आपको बता देता हूँ। क्या बोला गया कि एक खंभा है, मान लेते ये कोई खंभा है, ठीक है, खंभे के आधार, ये होता है खंभे का आधार, खंभे के आधार से 25 मीटर दूर, मान लेते यहाँ तक ये 25 मीटर है, ठीक है, 25 मीटर दूर एक बिंदु, और ये एक बिंदु है, ठीक है, और उस बिंदु से खंभे का चोटी का अवनमन कोण, ये चोटी हो गया, ये चोटी है, इसका अवनमन कोण है, ये है 60 डिग्री। कोण जब भी बोला जाए, याद रखिए, कोण जब भी बोला जाए, अवनमन या उन्नयन जब भी हो, आपको यहीं पे बनाना है, उससे कोई फर्क नहीं बनता है कोण से, ठीक है, जब भी बोला जाए यहीं पे बनाना है। तो ये है 60 डिग्री। तो कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई, ये खंभा था, इसका ऊंचाई क्या होगा, ये, अब ये देखिए ये क्या है, थीटा है, थीटे के सामने वाला क्या होता है, पी होता है, मैंने बताया परपेंडिकुलर, तो ये पी हम लेट कर ले, ये पी है, तो ये हमको पी निकालना था, ठीक है। तो कितना होगा, ऑप्शन है 25√3 फर्स्ट, सेकेंड है 30√3, थर्ड है 35√3, और फोर्थ है 60√3। कितना होगा, देखिए कैसे निकालेंगे, रिलेशन किस में आ रहा है, ये पी बाय बी में, मतलब कि रिलेशन किस में है, पी बाय बी, यहाँ देखिए टेन थीटा, तो हम यहाँ लिखेंगे टेन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, ठीक है। 60 क्या होता है, टेन थीटा पी बाय एच, पी बाय बी, सॉरी पी ये हो गया, और बी बी ये हो गया बेस, तो 25,
तो यहाँ देखिए पी कितना हो जाएगा 25 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 60, और 10 60 कितना देता है, ये देता है √3। तो आंसर कितना होगा 25 √3। तो ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आप समझ गए होंगे इस तरह हमको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पतंग उड़ रहा है जो एक धागे से जुड़ा है। देखिए मान लेते हैं ये कोई पतंग है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, उड़ रहा है, एक धागे से जुड़ा है। मान लेते हैं यहाँ से कोई ये पतंग उड़ा रहा है और ये यहाँ पे धागे से जुड़ा हुआ है। कह रहा है जिसकी लंबाई 165 है और ये धागे की लंबाई कितना है, 165 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ देता हूँ, आप देख लीजिए। लिखा है एक पतंग उड़ रहा है जो एक धागे से जुड़ा हुआ है, जिसकी लंबाई 165 मीटर है। धागा मैदान में 30 डिग्री का कोण बनाती है। मैदान से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो क्या बोला गया कि धागे का जो लंबाई वो 165 मीटर है, और कह रहा है कि मैदान से पतंग की ऊंचाई, ये मैदान है और इसका ऊंचाई ये कितना ऊंचा है, ये निकालना है, ये कितना ऊंचा है, कहाँ से, मैदान से, ये मैदान है, यहाँ से कोई धागा पतंग उड़ा रहा है। तो कैसे निकालेंगे, हमको निकालना है ये, और ये दिया हुआ था थीटा कितना बना रहा था, तो यहाँ दिया गया था 30 डिग्री, मैंने बताया था थीटा जब भी दिया इसी को बनाएंगे, इसको कभी नहीं लेंगे, हमेशा इसी को लेंगे। तो ये दिया था 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, और हमको निकालना है ये, ठीक है। थीटा के सामने का क्या होता है, परपेंडिकुलर, मैंने बताया अभी, तो थीटा के सामने का परपेंडिकुलर। तो रिलेशन किस में लेना है, यहाँ देखिए रिलेशन लेना है इसमें और इसमें। तो यहाँ देखिए P by H क्या है, P by H क्या है, साइन थीटा, तो हम साइन थीटा लेंगे, साइन, और थीटा का वैल्यू क्या होगा 30 डिग्री। P by H कितना है, ये 165, मैंने बताया H यही है, ये 90 डिग्री के सामने का है, तो 165, तो P कितना होगा, देख लीजिए P इक्वल टू हो जाएगा 165 मल्टीप्लाई साइन 30, तो 165 और साइन 30 कितना देता है 1/2, जो कि कितना हो जाएगा 82.5, कितना हो जाएगा, देखिए पी 165/2 करेंगे तो 82.5 मीटर, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो इसको आप समझ गए, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ देखिए क्वेश्चंस क्या है, मैं पढ़ देता हूँ, आप नोटिस कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो लिखा है सीढ़ी का एक उन्नयन कोण 60 डिग्री है जो दीवार के विरुद्ध झुका हुआ है, और सीढ़ी का आधार दीवार से 9.5 मीटर दूरी पर है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला गया है, मैं इसका फिगर बनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोला गया, एक दीवार है, मान लेते हैं ये दीवार है, ठीक है, और इस दीवार से एक सीढ़ी लगा हुआ है, ये मान लेते हैं कोई सीढ़ी है, इस तरह से लगा हुआ है, देखिए सीढ़ी भी बना देता हूँ, ये सीढ़ी इस तरह से दीवार से अटैच, ठीक है, कह रहा है ये हो गया दीवार, यहाँ जमीन से लगा हुआ है। फिर क्या कह रहा है कि सीढ़ी का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है, कोई भी कोण हो ये 60 डिग्री का बनाएगा, ठीक है, और क्या बोला कि सीढ़ी के आधार दीवार से, मतलब कि ये दीवार से सीढ़ी का जो आधार है, ये आधार कितना दूरी पर है, 9.5 मीटर की दूरी पर है। तो क्या बोल रहा है कि सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई यही चीज़ है, कितना होगा ये बताना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, इसका एक 20 मीटर, 19 मीटर, 21 मीटर और 30 मीटर। कैसे बनाएंगे, देखिए हमको निकालना है ये, अच्छा ये हाइपोटेनियस होता है, हमेशा याद रखेंगे, एच होता है, ठीक है। तो रिलेशन किस में आ रहा है, रिलेशन आ रहा है इसमें और इसमें, यानी कि ये है बी, मैंने बताया था ये पी होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है बी, और ये एच, बी एच, बी एच कहाँ है, कॉस थीटा में। तो हम लिखेंगे कॉस 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, बी बाय एच, बी ये है 9.5 बाय एच, एच ये है, ठीक है, एच हमको निकालना ही था। तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए एच इक्वल टू क्या हो जाएगा,
9.5 और cos 60 यहां चला जाएगा, h चला गया यहां और cos 60 आ गया 9.5 के नीचे। अब क्या करेंगे यहां देखिए, 9.5 cos 60 1 by cos थीटा कितना होता है, 1 by cos थीटा कितना होता है, sec थीटा, क्योंकि cos का अपोजिट होता है sec, तो cos 60 कितना हो जाएगा, sec 60। और sec 60 का मान आप ये मान, ये जो वैल्यू है sec 60 सबका ये याद रखिएगा 9.5, और ये होता है 2 by, ये होता है एक मिनट, ये होता है 2 होता है, ठीक है, ये कितना होता है 2, sec 60 2 होता है। तो देखिए 9.5 into 2 कितना हो जाएगा, ये करेंगे तो ये आ जाएगा 19 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्या है पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है कि लंबवत टावर की परछाई की लंबाई दीवार की ऊंचाई का 1/√3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए हम क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे फिगर बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। क्या कहा गया कि एक टावर है, ये देखिए एक टावर है, ठीक है, जिसकी परछाई, देखिए अगर हम सूरज यहाँ पे है, ये सूरज है, तो इसका परछाई इधर बनेगा, और अगर सूरज यहाँ है तो इसका परछाई इधर बनेगा। तो सूरज मैंने यहाँ बनाया तो मतलब परछाई इधर बनेगा, तो इसका परछाई मान लेते इतना बना परछाई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि लंबवत टावर की परछाई की लंबाई, ये जो परछाई की लंबाई है ये ऊंचाई का 1/√3 है, मैंने मान लेते अगर ये 1 है तो इसका 1/√3 गुना, मतलब कि 1 × 1/√3 कितना हो जाएगा, 1/√3 होगा, 1/√3 है, ठीक है, ये समझ गए। तो क्या कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, इसको यहाँ से हम मिला देते हैं, ये उन्नयन कोण मतलब ये थीटा कितना होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो कैसे निकालेंगे, ये 1/√3 है, ठीक है, कैसे निकालेंगे, ऑप्शन नंबर देखिए क्या क्या दिया है, ऑप्शन दिया है 30 डिग्री, 40 डिग्री, एक है 60 डिग्री और एक है 90 डिग्री। कैसे बनाएंगे देखिए, ये 1/√3 है, मैंने यहाँ लिख दिया, देखिए रिलेशन किस में बैठ रहा है, रिलेशन ये दोनों दिया है तो ये दोनों में बैठेगा। तो क्या है देखिए, ये है P, ये है B, तो P by B किस में है, P by B है tan थीटा में, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू P by B, मतलब ये P होता है थीटा के सामने वाला, तो ये P, P by B, B कितना है 1/√3, ठीक है, तो ये रूट थ्री ऊपर चले जाएगा tan थीटा। अब बताइए कि tan में थीटा का कितना वैल्यू रखे जो रूट थ्री आता है, तो हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो रूट थ्री आता है, तो ये थीटा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, क्या लिखा है कि तीव्र आंधी में एक पेड़ हवा से मुड़ जाता है, पेड़ की चोटी जमीन को 30 डिग्री पर छूती है और मिलन बिंदु पेड़ के जड़ से 30 मीटर की दूरी पर है, जमीन तल से कितने ऊपर से पेड़ मुड़ा है और पेड़ की वास्तविक ऊंचाई कितनी है, ये निकालना है। देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, क्या बोला गया कि एक पेड़ है, मान लेते ये इतना सा पेड़ है, ठीक है, और ये क्या होता है बीच से टूट जाता है, मान लेते ये यहाँ से ये टूट गया और ये जो पार्ट था ये मुड़ गया और यहाँ पे इतना मुड़ के यहाँ आ गया, मतलब ये पार्ट कहाँ आ गया, ये जो पार्ट है ये मुड़ के यहाँ आ गया, तो इसको हम मिटा देते हैं ये, क्योंकि ये मुड़ के यहाँ आ गया है वो, ठीक है। तो और ये जो जमीन से लग रहा है ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है जमीन से, ये बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। और क्या बोला गया कि पेड़ का जो ये जड़ है, ये जड़ है जहाँ पे ये टूटा हुआ भाग मिल रहा है उसकी दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है, ठीक है। तो क्या बोला गया कि जमीन तल से कितने ऊपर से पेड़ मुड़ा है, कितने ऊपर से, मतलब ये पहले हमको निकालना है कितने ऊपर से पेड़ मुड़ा है ये वाला, तो हमको ये निकालना है, इसको मान लेते पी है,
ये फाइंड करना है। दूसरा क्या फाइंड करना है कि पेड़ की वास्तविक ऊंचाई, मतलब कि पेड़ पहले कितना ऊंचा था, ये था और एक ये था, मतलब कि इसको हम डैश डैश में बना देते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो पार्ट है ये है, कितना ऊंचाई पर, मतलब कि हमको ये टोटल भी फाइंड करना है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना ऊंचा पहले पेड़ था, तो कैसे निकालेंगे। अब ये देखिए, ये पी है और ये बी और ये एच होता है, ये तो हमको पता है। क्या करेंगे, पहले देखिए ऑप्शन क्या कह दिया, ऑप्शन हम लिख देते हैं। ऑप्शन है एक 20√3, 30√3, ठीक है, और एक है 10√3, 50√3, एक है 60√3, 90√3, और दूसरा है 100√3 और 200√3, ये दिया है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलेगा, पहले तो हमको ये निकालना है कि कितना ऊंचा ऊंचाई से टूटा है, तो क्या देखेंगे, ये दोनों में रिलेशन आ रहा है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 10√30, पी बाय बी में रिलेशन आ रहा है, तो क्या होगा 10√30, और ये कितना है पी बाय बी, कितना है 30 मीटर, ठीक है। तो पी कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा 30 × 10 30 डिग्री, ठीक है, और 30 और 10 30 डिग्री कितना होता है, ये होता है 1/√3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 ऊपर भी करेंगे, √3 नीचे भी करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए √3 √3 मिलकर कितना दे देगा, ये दोनों मिलकर 3 दे देगा, तो इसको हटा के हम डायरेक्ट यहाँ 3 लिख देते हैं, और ये 3 कट कर देगा इससे, तो ये आ जाएगा 10√3। ये किसका है, पी का वैल्यू, एक तो वैल्यू पता चल गया कितना 10√3, ठीक है। सेकंड क्या होगा, देखिए सेकंड क्या बोला गया कि ये पेड़ कितना ऊंचा था। अब ये बताइए कि ये पी अगर ये बी में हम ऐड कर दें तो ये टोटल ऊंचाई होगा पेड़ का, क्योंकि ये क्या चीज़ है, ये पेड़ का ही भाग है जो ये चीज़ है यहाँ से टूट गया था, ये टूट के यहाँ गिर गया, मतलब ये और ये अगर ऐड कर दें तो ये पूरा पेड़ कितना लंबा था ये निकल जाएगा, यानी कि पी प्लस एच ये है इतना सा, ठीक है। तो बस हमको एच निकालना है, मतलब अब रिलेशन हमको लेना है इसमें और इसमें, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ये है बी और ये है एच, यानी कि कॉस 30 डिग्री में, हाँ कॉस 30 कितना होता है बी बाय एच, यानी कि 30/H, तो H कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ H यहाँ लाएंगे और cos 30 यहाँ आ जाएगा, तो 30/cos 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 और cos 30 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं sec 30, क्योंकि 1/cos θ का वैल्यू होता है sec थीटा। देखिए अब sec 30 कितना होता है, sec 30 जो होता है वो होता है cos 30 होता है √3/2, ये होता है 2/√3, ठीक है। तो ये sec 30 होता है 2/√3। अब यहाँ क्या करेंगे, √3 नीचे ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी √3 से, तो ये 3√3 √3 मिलकर कितना दे देगा 3, मैंने अभी तो यहाँ बताया, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख देते हैं, और ये 3 कैंसिल कर देगा कितना 10 टाइम, तो कितना हो जाएगा 10 × 2 यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ 10 × 2 = 20√3, ठीक है। तो एक आंसर तो मेरा ये था, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ये H निकल गया है, अगर इसमें P ऐड कर दिया, यहाँ लिख दिए H+P, H कितना निकला 20√3 और प्लस P कितना निकला 10√3, कितना हो जाएगा 30√3। तो दूसरा आंसर मेरा ये है, मतलब एक 10√3 दूसरा 30√3, तो कौन सा होगा, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, 10√3 और 30√3, ये 10 ही था, ठीक है, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन गलती हो गया, 10√3 और 30√3 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, चलिए आज के लिए इतना ही वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा इसी का क्वेश्चन कुछ मैं सॉल्व करूँगा जो कि हाई लेवल का होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में बेल आइकन होगा उसे भी आप प्रेस कर दें। थैंक यू।